चलिए बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर आने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस ने नया दांव खेला है। सरकार बनते ही 500 रुपए में अब सिलेंडर दिया जाएगा। कमलनाथ ने नरसिंहपुर की सभा में ये बड़ी घोषणा कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 500 रुपए में अब जो गैस सिलेंडर है वो दिया जाएगा मध्य प्रदेश वासियों को। कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपए महीना देगी। पीसीसी चीफ अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुर की सभा में ये बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से, चुनावी साल है और एक के बाद एक कांग्रेस की ओर से ऐलान किया जा रहा है, कभी ट्विटर के माध्यम से तो कहीं घोषणाओं के माध्यम से। और अब एक और बड़ी घोषणा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की है नरसिंहपुर में, जहां ये कहा गया है मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपए में अब सिलेंडर दिया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, एक बड़ा ऐलान किया गया कमलनाथ की ओर से, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो क्या ये वादा जो जनता से किया जा रहा है ये उतना ही पक्का जितना किसानों से किया गया था 2018 में? अब देखिए, सरकार किसकी बनती है ये तो खैर चुनाव में ही साफ हो पाएगा, लेकिन चुनाव से पहले दावे और वादे जो है वो सरकार की तरफ से और विपक्ष की ओर से लगातार देखने को मिल रहे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ का साफ तौर पर एक बड़ी घोषणा जो है वो कमलनाथ ने नरसिंहपुर में प्रदेश की जनता के लिए की है। साफ तौर पर भी कहते हुए नजर आए कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो जो गैस सिलेंडर होगा वो 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में देगी। लेकिन जिस तरीके से ये भी कमलनाथ ने कहा है कि अगर जो घोषणा उन्होंने इससे पहले की थी कि जो लाडली बहना योजना जो सरकार ने शुरू की है वो उस योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाकर मतलब 1500 रुपए महीना महिलाओं को भी कमलनाथ देते हुए नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रही हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के जो मुखिया है कमलनाथ, वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आए कि जो किसान कर्ज माफी का वादा उन्होंने 2018 के चुनाव में किया था वो वादा उन्होंने निभाया था, लेकिन अगर सरकार रहती तो कहीं ना कहीं बाकी किसानों के भी कर्जे जो है वो माफ किए जाते, लेकिन सरकार केवल 15 महीने तक चल पाई और जितना कर्जा वो माफ कर पाए थे उस दौरान, अगर कर्जा जिन किसानों का माफ नहीं कर पाए थे उन किसानों का कर्जा जो है वो 2023 में सरकार बनने के बाद वो निभाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वादे जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से जो कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ अपने वादों पर खरा उतरने की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी। तो देखिए, अब 500 रुपए में सिलेंडर देने की जो घोषणा है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नरसिंहपुर में की। चलिए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ घोषणा उन्होंने इस दौरान की। मतदान कर लीजिएगा और ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को, और 1500 रुपए चाहिए बताइए, 1500 रुपए महिलाओं को चाहिए। और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, 500 रुपए में चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे।